पंजाब पुलिस की ऐसी प्रताड़ना, टीवी पर ही फूट फूट कर रोई महिला पत्रकार, बोली मुझे वॉशरूम दरवाजा खोल कर जाने को कहा गया। बीते कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने टाइम्स नाउ भारत की महिला पत्रकार भावना किशोर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। 9 मई को टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर नविका कुमार और एंकर सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में हिरासत के दौरान पंजाब पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए पत्रकार फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पंजाब पुलिस की प्रताड़ना बताते हुए कहा कि हिरासत के दौरान उनसे दरवाजा खोल कर वॉशरूम जाने को कहा गया, उनकी जात को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने बोला रात के 1 बजे आपका मेडिकल होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मुझे कानून का इतना दांव पेश नहीं पता था, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, घबराहट हो रही थी। जो उन्होंने दिया मैंने खाया, ड्राइवर और कैमरा पर्सन ने भी थोड़ा सा खाया। मैं बहुत पानी पी रही थी क्योंकि मैं नर्वस महसूस कर रही थी। जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे साथ 2-3 महिला कांस्टेबल भी थी। पुलिस स्टेशन में बिजली या पानी नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे वॉशरूम दरवाजा खोल कर जाने को कहा गया। मैंने दरवाजा खोल कर वॉशरूम किया, मुझे नहीं आई शर्म क्योंकि उस वक्त मैं इतने प्रेशर में थी। महिला पत्रकार ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं बताया गया कि वह गिरफ्तार हो चुकी थी, इसलिए वह पुलिस अफसर से बार बार निवेदन कर रही थी कि उन्हें घर जाने दिया जाए। इस पर पुलिस अफसर ने कहा, भावना मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ, तुमने अब तक बहुत हिम्मत दिखाई है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं घर जाकर उनसे क्या बोलूंगा मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूं। भावना तुमने जो खबर चलाई है उसे हटाओ बात करके, यह सरकार है, तुम कभी जीत नहीं पाओगी। इसके साथ ही भावना ने दावा किया कि पुलिस अफसर ने उनसे कहा था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। साथ ही उनसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर किए गए खुलासे, ऑपरेशन शीश महल को हटाने के लिए भी कहा गया था। भावना ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनसे और उनके दोनों सहयोगियों से उनकी जाति के बारे में पूछताछ की थी। जब भावना ने उन्हें बताया कि वह ओबीसी वर्ग से हैं, तो पुलिस ने उनसे कहा नहीं तुम सामान्य वर्ग से हो। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उन पर SC ST एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। महिला पत्रकार का यह भी कहना है कि उन्हें पहले कहा गया कि चाय पानी के लिए ले जाया जा रहा है, सीएम भगवंत मान के जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर सारी चीजें बदल गईं। टाइम्स नाउ का दावा है कि पंजाब सरकार ने यह सब ऑपरेशन शीश महल का बदला लेने के लिए किया है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत की महिला पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि भावना और उनके दोनों सहयोगियों की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। आप पार्टी के एक कार्यक्रम को कवर करने के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।